आज आम आदमी के मन की बात करने हम नौका बिहार गोरखपुर में आए हैं। आप तो जानते होंगे हमने शुरू से अलग अलग चरणों में रिपोर्टिंग की, अलग अलग जगहों पे गए, अलग अलग जिलों में हमने काम किया और ये दिखाया कि किस तरीके से अलग अलग लोगों का मुद्दा कैसा है, कौन किस मुद्दे पर वोटिंग कर रहा है और इस बार चुनाव में कैसी लहर देखने को मिल रही है। लेकिन उसी बीच आज हम नौका बिहार में आए हैं। नौका बिहार में इस वजह से आए हैं क्योंकि गोरखपुर का नौका बिहार खासियत है, क्योंकि बगल में आपको रवि किशन जी का आवास भी दिख रहा होगा। साथ ही जब से, क्योंकि मुख्यमंत्री का गढ़ कहा जाता है गोरखपुर, और गोरखपुर में अगर आप हैं तो चुनाव के बारे में बातचीत ना की जाए तो ये असंभव है। 1 तारीख को यहाँ पे वोटिंग है, लेकिन 1 तारीख कि वोटिंग से पहले हम जनता के बीच आए हैं, जनता से बात करेंगे कि चुनाव के बारे में क्या सोचती है, चुनाव कब है और वो किस पार्टी की के फेवर में है, उनके मुद्दे क्या हैं, वो किस नाम पे वोट करेंगे और खबरें तो चलती रहती हैं साहब। और इसी खबरों के बीच आज हम यहाँ पे स्थित हैं। चलिए लोगों से बातचीत की जाए, धनंजय, लोगों से बातचीत करेंगे और पता करेंगे कि लोगों के मुद्दे क्या हैं और किस मुद्दे पर वो इस बार वोटिंग करने 1 तारीख को जाएंगे। क्योंकि आपको पता होगा असली महायुद्ध चुनाव का कहा जाए तो 7वां चरण है, क्योंकि तमाम नेता गोरखपुर में आ रहे हैं और इसी बीच हम भी आ गए हैं गोरखपुर में। चलिए बात की जाए, लोगों से बातचीत की जाए। भैया बात कर सकते हैं? जी सर। सबसे पहले विकास प्रजापति सर, घूमने आए थे या ऐसे ही कभी कभी टहलने आ जाते हैं? घूमने के लिए, आज पर्सनली घूमने के लिए आए हैं। अच्छा, कहाँ रहने वाले? हम सर देवरिया के रहने वाले। देवरिया के रहने वाले हैं। बगल में यहाँ रूम वूम है या वैसे ही आज आ गए? ऐसे सर, ट्रेन पकड़ के आए हैं। ट्रेन पकड़ के आए, सिर्फ इसके लिए आए थे? कोई काम भी नहीं? नहीं सर, इसके लिए, बस एंजॉय के लिए आए। इसके एंजॉय के लिए आए हैं। कैसा यहाँ का लग रहा है? नहीं सर, बहुत बढ़िया वातावरण है, साफ सुथरा भी है। विकास हुआ है? हाँ सर, विकास तो हुआ। पहले से ज्यादा? पहले भी आए थे या पहली बार? नहीं सर, पहली बार। पहली बार है। एक ये चीज बताइए, देवरिया में चुनाव 1 तारीख को है, कैसा माहौल वहाँ पे है? सर माहौल तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, कौन जीत रहा है वहाँ से? अरे सर, ससांगमणि त्रिपाठी जी जीत रहे हैं। ससांगमणि त्रिपाठी जी जीत रहे हैं। जनता के बीच कोई ये ऐसा नहीं है ना? नहीं, जनता के बीच ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ प्रत्यक्ष रूप से जो है जनता इनके पक्ष में है। अच्छा, ससांगमणि त्रिपाठी के पक्ष में है। ससांगमणि त्रिपाठी के पक्ष में या बीजेपी? क्योंकि तमाम जगहों पे ऐसा हो रहा है, लोग बीजेपी यहाँ, अगर दोनों की तुलना की जाए तो बीजेपी के पक्ष में ज्यादा है, क्योंकि नाम ही प्रोडक्ट है, मतलब नाम में नाम ही है एक तरह से। अच्छा, देश के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर हम अपने गोरखपुर में आते हैं। देश का क्या लग रहा है? नहीं सर, देश का मतलब भला ही हो रहा है। जहाँ देखिए मेडिकल देवरिया में अपना खुल गया है, रोड का चौड़ीकरण जो सिंगल लेन की होती थी अब डबल लेन की हो गई है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफी विकास हुआ है। विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर चल रहा है, 5 किलो राशन वाला मुद्दा भी लेकर चल रहा है कि 5 किलो राशन से कुछ नहीं होगा। रोजगार का एक बड़ा मुद्दा है भाई। हाँ सर, रोजगार सर, ये वाली बात तो ठीक है। सबसे ज्यादा युवा परेशान है इस समय, क्योंकि पेपर भी होने तो लीक हो जा रहे हैं और भर्तियां भी नहीं आ रही हैं, आ रही हैं तो बिल्कुल लिमिट में आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब ऊँट के मुंह में जीरा आ रहा है भर्ती। अभी सरकार से थोड़ी नाराजगी? हाँ, ये नाराजगी है सर, युवा में नाराजगी है थोड़ी बहुत, नहीं तो बाकी सब लगभग। ये नाराजगी वोट में तब्दील हो पाएगी या नहीं, आपको क्या लगता है? इंडिया गठबंधन लगातार सर युवाओं का जो है कि रुख, अब क्या बताया जाए, बेरोजगारी से परेशान है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, विपक्ष की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और यही कहीं खेल बिगाड़ सकता है। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, तो ये भैया गोरखपुर में विकास हुआ है कि नहीं? नहीं सर, हम तो वहाँ से आए हैं गेट से, तो ऐसा लगा है कि मतलब एकदम अचानक कि कहीं मतलब एकदम बाहर ही आ गया, मतलब क्या? अच्छा, बाहर ही आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप गोरखपुर तक आगे थोड़ा बढ़ते हैं भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। चरणों के चुनाव हो चुके हैं, 7वें चरण की बारी है और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। चाचा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद जौन है। कहाँ के रहने वाले हैं? बसंतपुर। बसंतपुर कहाँ पड़ता है ये? घंटाघर। अच्छा, यानी गोरखपुर के रहने वाले हैं ना। एक चीज हमें बताइए, गोरखपुर में विकास हुआ है कि नहीं? दिखाई दे रहा है। अच्छा, यहाँ के देख के दिखाई दे रहे हैं? अरे नहीं, शहर का पूरा विकास हो रहा है। रवि किशन जी ने अच्छा काम किया है? हम तो योगी आदित्यनाथ को जानते हैं। अच्छा, तो इस पे वोट पड़ जाएगा क्या? ऐसा नहीं है ना कि रवि किशन लड़ रहे हैं। गोरखपुर के लिए जो योगी आदित्यनाथ ने काम किया है, तो वो जिसको कहेंगे उसको दिया जाएगा। वो मतलब कैंडिडेट कोई भी रहे, लेकिन इससे पहले जब भी प्रवीण निषाद की बात जब आती है तो उपेंद्र दत्त शुक्ला जी की बात भी आती है कि एक समय ऐसा था जब ऐसे हार गए थे, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि नहीं योगी आदित्यनाथ को मान के चल रहे हैं आप लोग और इसका खामियाजा भुगतना पड़े, ऐसा कुछ है? नहीं, जब योगी जी कहेंगे कि इनको वोट देना है तो देना है, इसलिए कि उनके वजह से हमारे गोरखपुर को पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं अंदर एक ये रहता है कि हमारे गोरखपुर के मुख्यमंत्री का जिला है और इस वजह से ज्यादा आप लोग ये सोच रहे हैं। गोरखपुर का जिला नहीं, गोरखपुर उनका घर है। गोरखपुर उनका घर है और इस वजह से अंदर एक भावना आती है आप लोगों के। अच्छा, आज परिवार के साथ ही आए थे या अकेले? परिवार हमारा, परिवार भी है साथ में। तमाम देश के मुद्दे, बहुत सारी चीजें हो रही है देश में, तमाम मुद्दे भी चल रहे हैं, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और तमाम तरह के, क्या लग रहा है विपक्ष इस बार कहाँ टिकेगा? अब विपक्ष के बारे में तो हम कुछ नहीं बता पाएंगे, लेकिन महंगाई तो थोड़ी बहुत है ही है। महंगाई है, सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार को ध्यान देना। फिर किसकी सरकार आ रही है?
अब ये तो भाई अब 4 तारीख को ही पता चलेगा। आपने भी वोट नहीं दिया ना अभी तो, पहली को देंगे, पहली को देंगे, पहली को देंगे उसके बाद पता चलेगा, पता चलेगा 4 तारीख को पता चलेगा। अपने मन से बता दें तो क्या फायदा होगा, हिंट तो दे सकते हैं ना, हिंट तो देंगे नहीं निकलना है। अच्छा मान के चलना है। अच्छा यूपी में 80 सीट है, क्या लग रहा है विपक्ष ताकतवर है या नहीं इस बार? देखिए हम राजनीति से बहुत दूर रहने वाले इंसान हैं, आम आदमी। हाँ आम आदमी, तो इसमें राजनीति से दूर रहते हैं चाचा जी, राजनीति से आप दूर रहते हैं, लेकिन ये तो बता सकते हैं ना, क्योंकि खबरें तो पढ़ते होंगे, सुबह से लेकर टीवी पर चलता ही होगा, तो ये तो बता सकते हैं ना कि देश में क्या लग रहा है, यूपी का क्या लग रहा है, विपक्ष मजबूत हुआ है या नहीं, क्योंकि बेरोजगारी महंगाई तमाम मुद्दे को लेकर थोड़ा बहुत मजबूत हुआ है, उनको कमजोर कर रही है मायावती। मायावती कमजोर कर, अच्छा, लेकिन मायावती उतना वोट नहीं पाएंगी। यहाँ पे तो मैंने पोस्टर्स भी देखे थे, उनकी रैली भी हुई थी, उनका मतलब अस्तित्व खत्म हो जाएगा इस बार, अस्तित्व मायावती का खत्म हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यानी जो उनके कोर वोटर थे दलित समाज जो था वो अब बिखर रहा है, आपको क्या लग रहा है? बिखर नहीं रहा है, वो बीजेपी में पहले भी था, आज भी है। आज बीजेपी में था मायावती, सिर्फ मुस्लिम वोट जीती थी। अच्छा अच्छा, तो आपका लग रहा है क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी बीएसपी और धीरे धीरे वो खत्म हो पा रही है। चाचा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। ठीक, तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, लोगों से बातचीत करेंगे। लोगों से बातचीत करने के क्रम में हम पूछेंगे उनसे क्या लग रहा है चुनाव का, क्योंकि तमाम सी बातें यहाँ पे हो रही हैं, तमाम पुलिसकर्मी भी आपको दिख रहे होंगे। पहले पूरा वातावरण वहाँ पे लगा रहता था, धीरे धीरे ये सिमटता जा रहा है और लोग कहीं ना कहीं अब यहाँ से भी पूरा आनंद ले रहे हैं।